वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं हमारे न्यू वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए। फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल गौतम की क्लास। तो आज मैं बीए सेकंड ईयर वालों के लिए समाज शास्त्र से मोस्ट इम्पोर्टेंट लघुतरी प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है इंडियन सोसाइटी इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पूरे सिलेबस से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वे आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे आने वाले न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कास्ट क्लासेस एंड ऑक्यूपेशन पुस्तक के लेखक का नाम लिखिए। तो इसके लेखक का नाम हो जाएगा G.S. घुरिए। कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन नामक पुस्तक के लेखक G.S. घुरिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम। तो इसका नाम भी G.S. घुरिए ही है, ये भी पुस्तक G.S. घुरिए द्वारा ही लिखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, तो इस पुस्तक के लेखक है M.N. श्रीनिवास। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया के लेखक है M.N. श्रीनिवास, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम लिखिए। तो इसके लेखक का नाम है J.H. हट्टन, यहाँ पर J.H. हट्टन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है रीजनल सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक का नाम लिखिए। तो इसके लेखक का नाम है राधाकमल मुखर्जी। नेक्स्ट है सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज पुस्तक के लेखक का नाम लिखिए। तो इसके लेखक का नाम है राधाकमल मुखर्जी, दोनों के लेखक ही राधाकमल मुखर्जी है, रीजनल सोशियोलॉजी और सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम लिखिए। तो इस पुस्तक के लेखक का नाम है D.N. मजूमदार। नेक्स्ट है दिस सुसाइड पुस्तक का लेखक कौन है। तो इसके लेखक है इमाइल दुर्खी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, प्रीवियस ईयर में भी बहुत ज़्यादा पूछा गया था। नेक्स्ट यहाँ पर द पीपल ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम लिखिए। तो इसके लेखक का नाम है H.H. रिजले। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निर्धनता को परिभाषित कीजिए, या इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निर्धनता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा सामान्य अर्थों में निर्धनता मनुष्य की वह दशा है जब वह अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी असमर्थ होते हैं, या अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि समाज में जब व्यक्तियों का एक विशाल समूह अपने दैनिक जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति में असफल रहता है उस स्थिति को हम निर्धनता के नाम से संबोधित करते हैं। गिलिन एवं गिलिन ने इसकी एक परिभाषा दी है कि निर्धनता वह दशा है जिसमें व्यक्ति पर्याप्त आय या अविवेकपूर्ण व्यय के कारण अपने जीवन स्तर को इतना ऊँचा रखने में असमर्थ होता है कि उसकी शारीरिक मानसिक कुशलता बनी रह सके, और न ही वह व्यक्ति तथा उसके आश्रित उस समाज द्वारा जिसके कि वे सदस्य निश्चित स्तर के अनुसार उपयोगी ढंग से कार्य कर पाते हैं। तो इस प्रकार से आप एग्जाम में निर्धनता के बारे में लिख सकते हैं, क्योंकि ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं निर्धनता के दो प्रमुख कारण बताइए। तो निर्धनता के दो प्रमुख कारण हैं, पहला है बाह्य आडम्बर और शान शौकत, यानी जब किसी परिवार के सदस्य शान शौकत फैशन तथा बाह्य आडम्बरों से ग्रस्त हो जाते हैं तब उनके खर्च करने की योजना व्यवस्थित हो जाती है। वे आवश्यक वस्तुओं पर होने वाले व्यय को फिजूल की वस्तुओं पर खर्च कर देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप बाद में आवश्यक वस्तुओं पर खर्च करने के लिए धन बचता ही नहीं, यही स्थिति निर्धनता की स्थिति होती है। दूसरा है दूषित शिक्षा प्रणाली। हमारे देश की शिक्षा प्रणाली जो है सैद्धांतिक और केवल पुस्तकीय है, इससे छात्रों में व्यावहारिक जीवन में प्रवेश करने की क्षमता का विकास नहीं होता। व्यावहारिक शिक्षा पर अभी तक बल नहीं दिया गया है। बड़े बड़े डिग्रियां प्राप्त करने के पश्चात भी विद्यार्थी बेरोजगार भटकते रहते हैं, यह बेरोजगारी भी निर्धनता में वृद्धि करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जाति की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो इसकी दो विशेषताएं होती है, पहली होती है जन्म पर आधारित सदस्यता, यानी जाति की सर्वप्रथम प्रमुख विशेषता यह है कि इसकी सदस्यता के लिए व्यक्ति को किसी प्रकार का प्रार्थना पत्र नहीं देना पड़ता है तथा किसी प्रकार का प्रयास नहीं करना पड़ता है। व्यक्ति जन्म से स्वतः ही उसका सदस्य बन जाता है, अर्थात व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है वह उसी का सदस्य बन जाता है। यह सदस्यता जीवन पर्यंत रहती है तथा वह इसे किसी भी प्रकार से बदल नहीं सकता है। इसके बाद दूसरी विशेषता है ऊंच नीच की भावना, यानी जाति व्यवस्था के अंतर्गत एक जाति दूसरी जातियों से ऊँची नीची होती है। इस ऊंच नीच के कारण एक जाति के सदस्य दूसरी जाति के सदस्यों को छूना भी पसंद नहीं करते हैं। भारतीय समाज में अस्पृश्यता की यह भावना अत्यधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अस्पृश्यता निवारण हेतु संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं, या दलितों के कल्याण के दो संवैधानिक प्रावधान लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर भारतीय संविधान में अस्पृश्यता निवारण के लिए अनेक प्रावधान रखे गए हैं। उदाहरण के लिए संविधान का अनुच्छेद 15 इस बात पर बल देता है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म लिंग व जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। दुकानों होटलों एवं मनोरंजन स्थलों पर प्रवेश की समान सुविधाएँ होंगी तथा सार्वजनिक को तालाबों स्नान गृहों
सड़कों आदि के उपयोग की समान सुविधाएं होगी। अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्य की सभी नौकरियों में भी व्यक्तियों को समान सुविधाएं और नियुक्तियों के समान अवसर प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 17 की बात करें तो अस्पृश्यता को अपराध घोषित करता है। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता को अपराध घोषित करता है। अनुच्छेद 29 शिक्षा संस्थाओं में धर्म, जाति, रंग व वंश के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 38 सभी नागरिकों को समान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 46 में राज्य द्वारा अनुसूचित जातियों को संरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था है। तो आप देख सकते हैं कि दलितों के कल्याण के लिए संविधान में कितने प्रावधान लिखे गए हैं। इनमें से कोई भी दो आप लिख सकते हैं यदि आपके एग्जाम में दो संवैधानिक प्रावधान पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुसूचित जातियों की कोई दो समस्याएं बताइए। तो उनकी पहली समस्या है शिक्षा के विकास की समस्या। यद्यपि अनुसूचित जातियों को शिक्षा के क्षेत्र में अनेक सुविधाएं प्रदान की गई, फिर भी इनमें शिक्षा का विकास संतोषजनक रूप से नहीं हो पाया है। गाँव में इन जातियों के लोगों में शिक्षा के लाभों के प्रति चेतना ही कम है तथा इन्हें सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं का ज्ञान भी नहीं है। अतः इस दिशा में विशेष कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। दूसरा है शोषण एवं अत्याचार की समस्या। ये तो सबसे ज़्यादा समस्या है दलितों के साथ। यद्यपि अनुसूचित जातियों को कानूनी रूप से अन्य लोगों के समान अधिकार प्राप्त है, फिर भी इनके शोषण और अत्याचार की घटनाएं प्रतिदिन होती रहती है। जातीय संघर्ष में आज भी उच्च जातियों के रोष का इन्हें सामना करना पड़ रहा है तथा व्यवहार में किसी न किसी प्रकार से इनका शोषण आज भी हो रहा है। बिहार में अन्य राज्यों में होने वाले जातीय संघर्ष इन अत्याचारों के द्योतक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जनजाति की परिभाषा लिखिए या जनजातियों को परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर है, जनजाति कुछ लोगों का समूह होती है जिनका एक निश्चित एवं स्थायी निवास क्षेत्र होता है। ये लोग सामान्य भाषा, धर्म एवं संस्कृति के अनुयायी होते हैं। एक जनजाति के सभी सदस्यों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रक्त संबंध होता है तथा इनमें हम की भावना प्रबल होती है। प्रत्येक जनजाति का अपना राजनीतिक संगठन होता है। इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया में जनजाति को इन शब्दों में परिभाषित किया गया है। जनजाति परिवारों का एक ऐसा समूह है जिसका सामान्य नाम होता है, जिसका एक सामान्य नाम होता है, जो एक सामान्य बोली का व्यवहार करता है और जो एक सामान्य प्रदेश में रहता है अथवा रहने का दावा करता है और प्राय अंतर्विवाह करने वाला नहीं होता, चाहे प्रारंभ उसमें अंतर्विवाह करने की प्रथा भी रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, अनुसूचित जनजातियों की कोई दो समस्याएं बताइए। तो इनकी दो समस्याएं हैं। पहली होती है आर्थिक समस्याएं, यानी वर्तमान भूमि एवं वन कानून भारतीय जनजातियों के लिए कठोर हैं क्योंकि कानूनन उन्हें न तो वनों का प्रयोग और न ही आजीविका के लिए वनों के दोहन की स्वतंत्रता है। ठेकेदार, वन अधिकारी तथा साहूकार आदि इनका शोषण करते हैं। इस कारण जनजातियों की परंपरागत अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई है और आर्थिक क्षेत्र में बहुत पिछड़ गए हैं। दूसरी समस्या है अशिक्षा की, यानी जनजातियों की प्रमुख समस्या अशिक्षा है। 1968 ईस्वी में जनजातीय शिक्षा का प्रतिशत 9 था। आज भी यह अन्य लोगों की तुलना में बहुत कम है। अशिक्षा के कारण जनजातीय समाज अनेक कुरीतियों, अंधविश्वासों एवं गलत परंपराओं में उलझे हुए हैं। अशिक्षा के कारण ही जनजातीय लोग राष्ट्रीय धारा एवं वैज्ञानिक उन्नति से अलग अलग है। नेक्स्ट, यहाँ पर अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं के समाधान हेतु सरकार द्वारा उठाए गए किन्हीं तीन कदमों की विवेचना कीजिए। इसका उत्तर है, अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं के समाधान हेतु सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। इन्हें संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ इनकी समस्याओं के समाधान हेतु अनेक उपाय भी किए गए हैं, जिनमें से तीन उपाय इस प्रकार हैं। पहला उपाय, यहाँ पर लोकसभा तथा राज्य विधानमंडलों में इनके लिए आरक्षित स्थानों की व्यवस्था। दूसरा है सेवाओं में आरक्षण की सुविधाएं। तीसरा है जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन हेतु कल्याण में सलाहकार एजेंसियों की स्थापना। तो ये तीन उपाय हैं जो सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर घरेलू हिंसा के कारणों की व्याख्या कीजिए या पारिवारिक हिंसा के कुछ कारणों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, पारिवारिक हिंसा एवं अपराध के लिए व्यक्तित्व संबंधी अनेक कारण उत्तरदायी हैं। जैसे कि राम आहूजा द्वारा किए गए अध्ययनों से यह पता चलता है कि यौनिक असामंजस्य, भावात्मक अशांति, पति का अत्यधिक घमंडी होना, पति में निम्नता की भावना होना, पति की मद्यपानता यानी पति का शराब पीना आदि व्यक्तिगत कारण पारिवारिक हिंसा के लिए उत्तरदायी है। जो स्त्रियाँ अधिक निष्क्रिय एवं कठोर निर्णय लेने में असमर्थ होती है, उनका शोषण ही अधिक नहीं होता अपितु वे अत्याचारों की भी सर्वाधिक शिकार होती है। राम आहूजा ने जिन 60 ऐसी स्त्रियों का अध्ययन किया जिनके पति उनके साथ मारपीट करते थे, उनमें अधिकांश को उन्होंने निष्क्रिय व कठोर निर्णय लेने में असमर्थ पाया। ये भी पारिवारिक हिंसा का एक कारण है। नेक्स्ट है, घरेलू हिंसा रोकने के उपाय लिखिए या घरेलू हिंसा को किस प्रकार रोका जा सकता है, संक्षेप में समझाइए। तो यहाँ पर कुछ कारण दिए गए हैं।
यहाँ पर पहला है, स्त्रियों की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जब तक भारतीय समाज में अधिकांश स्त्रियाँ अशिक्षित रहेगी तब तक वे अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाने का साहस नहीं कर पाएंगी। दूसरा है, स्त्रियों एवं पुरुषों के लिए बनाए गए दोहरे आदर्श एवं मानदंड समाप्त किए जाने चाहिए। तीसरा है, स्त्रियों के रोजगार की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। जब तक स्त्रियां अपने पैरों पर खड़ी नहीं होंगी तब तक न तो दोहरे आदर्श ही समाप्त हो पाएंगे और न ही उन्हें वास्तविक रूप में समानता मिल पाएगी। चौथा है, इसका लिंग भेदभाव समाप्त किया जाना चाहिए। जब तक लड़के और लड़की को एक समान नहीं समझा जाएगा तब तक भ्रूण हत्या व स्त्री हत्या जैसी बुराइयां समाप्त नहीं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भारत में पाई जाने वाली किन्हीं दो प्रमुख सामाजिक समस्याओं की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर दो प्रमुख समस्याएं हैं, जो कि पहला है यहाँ पर निर्धनता की समस्या। पहली है निर्धनता की समस्या। भारतीय समाज में पाई जाने वाली प्रमुख समस्याओं में निर्धनता भी एक समस्या है। ऐसा माना जाता है कि निर्धनता अनेक समस्याओं की जननी है। भारतीय समाज में लगभग 40% व्यक्ति निर्धनता रेखा के नीचे के स्तर के हैं। यद्यपि सरकार ने निर्धनता उन्मूलन हेतु अनेक कार्यक्रम चलाए हैं, यथापि इनसे निर्धनता की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। दूसरी है सांप्रदायिकता की समस्या। सांप्रदायिकता की समस्या भी भारतीय समाज में पाई जाने वाली एक प्रमुख समस्या है। यह राष्ट्रीय एकीकरण में सबसे प्रमुख बाधा मानी जाती है। छोटी छोटी बातों को लेकर दंगे भड़क उठते हैं तथा जनधन की काफ़ी हानि होती है। इस समस्या का समाधान भी आज तक हम ढूंढ नहीं पाए हैं। दोषपूर्ण नेतृत्व तथा राजनीतिक स्वार्थ इसके दो प्रमुख कारण माने जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर भूमिहीन श्रमिक से आप क्या समझते हैं, भूमिहीन श्रमिक किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, भूमिहीन श्रमिक वे श्रमिक होते हैं जिनके पास अपनी भूमि का कोई मालिकाना अधिकार नहीं है तथा वे अन्य व्यक्तियों की भूमि पर मेहनत मजदूरी करके जीविकोपार्जन करते हैं। इन श्रमिकों को अनेक प्रकार के शोषण तथा आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। इनकी समस्याएँ काफ़ी गंभीर हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बंधुआ मजदूर से आप क्या समझते हैं? तो श्रमिकों के शोषण एवं अत्याचार का एक रूप बंधुआ मजदूर प्रथा भी है। इस प्रथा के अंतर्गत सत्ता संपन्न वर्ग जैसे कि विशेष रूप से जमींदार एवं साहूकार वर्ग, इनके द्वारा किसी श्रमिक को आजीवन श्रम या मजदूरी करने के लिए विवश कर दिया जाता है। बंधुआ मजदूर को बिना नियमित वेतन तथा अन्य सुविधाओं के ही मालिक द्वारा कठोर परिश्रम करवाया जाता है। अब वैधानिक रूप से बंधुआ मजदूर प्रथा को समाप्त कर दिया गया है, परंतु आज भी यदा कदा बंधुआ मजदूर के उदाहरण मिल जाते हैं। बंधुआ मजदूर सामंतवादी व्यवस्था के अवशेष के रूप में समाज में पाई जाती थी। नेक्स्ट यहाँ पर अन्य पिछड़े वर्ग की दो समस्याएं बताइए। यहाँ पर पहली समस्या है आर्थिक पिछड़ेपन की समस्या। अन्य पिछड़े वर्ग की पहली जो प्रमुख समस्या है आर्थिक दृष्टि से पिछड़ापन है। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के कारण ये वर्ग भी सामाजिक असमानता एवं अन्याय का शिकार रहे हैं और इसलिए इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। अन्य पिछड़े वर्गों को आर्थिक सहायता देते समय इनके अति समृद्ध तबके को अलग रखा जाता है। दूसरी समस्या है शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ेपन की समस्या। अन्य पिछड़े वर्गों की दूसरी समस्या इनका शिक्षा के क्षेत्र में उच्च जातियों एवं वर्गों से पिछड़ा हुआ होना है। इन वर्गों में शिक्षा के प्रति चेतना का अभाव रहा है, जिसके कारण सरकारी नौकरियों में इनका प्रतिनिधित्व काफ़ी कम है। अतः इस दिशा में विशेष कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट यहाँ पर अन्य पिछड़े वर्गों के प्रति सरकारी नीति की व्याख्या कीजिए या अन्य पिछड़े वर्गों हेतु संविधान में क्या प्रावधान रखे गए हैं। अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के दो संवैधानिक प्रावधान लिखिए। तो इसका उत्तर है, संविधान के अनुच्छेद 15(4) में राज्यों को नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लोगों के उत्थान हेतु विशेष उपाय करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 16(4) में राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि वह सरकारी सेवाओं तथा पदों में ऐसे किसी भी पिछड़े वर्गों के लिए जिन्हें इनमें पर्याप्त आरक्षण नहीं मिला आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। अनुच्छेद 16 या 38, 46 और अनुच्छेद 38 के भाग 16 के खंड 1 के अंतर्गत संविधान में दिए गए अन्य प्रावधानों के अंतर्गत राज्य के लिए अनिवार्य कर दिया गया है कि वह सामाजिक व्यवस्था को जहां तक संभव हो सके लाए और प्रभावी ढंग से प्रेषित कर जन कल्याण को बढ़ावा दे, जिसमें न्याय सामाजिक और आर्थिक तथा राजनीतिक राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को सूचित करें। अन्य पिछड़े वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उन्हें बचाने के लिए अनुच्छेद 46 में यह महत्वपूर्ण निर्देश है। संविधान के भाग 16 के अनुच्छेद 340 में भी पिछड़े वर्गों की स्थिति का पता लगाने के लिए आयोग गठित करने की व्यवस्था की गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने संवैधानिक प्रावधान लिखे गए हैं। यदि आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो इनमें से आप कोई भी दो लिख सकते हैं। नेक्स्ट है अल्पसंख्यकों की चार प्रमुख समस्याएं लिखिए। तो अल्पसंख्यकों की चार समस्याएं हैं। पहली है अल्पसंख्यकों में भय की समस्या।
अल्पसंख्यकों की एक प्रमुख समस्या उनमें एक प्रकार का भय व्याप्त होना है। अल्पसंख्यक सदैव भयभीत रहते हैं कि बहुसंख्यक उन्हें आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। दूसरी है अस्मिता बनाए रखने की समस्या, यानी अल्पसंख्यकों की एक मुख्य समस्या अपनी अस्मिता को बनाए रखने की है। सभी समाजों में बढ़ते हुए सांस्कृतिक संपर्क के परिणाम स्वरूप पर संस्कृति ग्रहण एवं सातवीकरण की प्रक्रियाओं ने अल्पसंख्यकों के लिए अस्मिता बनाए रखने की चुनौती खड़ी कर दी है। तीसरी समस्या है राजनीति से संबंधित समस्याएं। अल्पसंख्यकों का राजनीति में समुचित प्रतिनिधित्व एक बड़ी चुनौती है। चौथी है असुरक्षा की भावना। सामान्यतः अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों के प्रति असुरक्षा की भावना से ग्रस्त रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दहेज प्रथा के प्रचलन के दो प्रमुख कारण बताइए। तो यहाँ पर दो प्रमुख कारण है। पहला है सामाजिक मूल्यों की मान्यता, यानी हमारे आज के समाज में सामाजिक मूल्य असंख्य। प्रत्येक सामाजिक मूल्य का अपने अपने क्षेत्र में एक विशेष स्थान और महत्व है। समकालीन भारत में प्रत्येक व्यक्ति का मूल्य रुपये पैसे से तोला जाता है। यदि व्यक्ति वर अथवा कन्या के माता पिता अपने लड़के अथवा लड़की के विवाह में अधिक धन व्यय करते हैं तो उन्हें समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति समझा जाता है, क्योंकि समाज में ऐसे मूल्य हैं जिनके फलस्वरूप दहेज प्रथा को प्रोत्साहन मिलता है। दूसरा है सामाजिक स्थिति का प्रदर्शन, यानी दहेज प्रथा को प्रोत्साहन देने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण कारक समाज में व्यक्ति की स्थिति को भी प्रदर्शित करना होता है। प्रत्येक मनुष्य अपनी कन्या का विवाह संपन्न करने में अधिक पैसा इसलिए भी लगा बैठता है कि समाज के अन्य लोग समाज में उसकी ऊंची स्थिति की अनुभूति करें तथा उसकी प्रशंसा और अधिक हो। नेक्स्ट, यहाँ पर न्यायिक पृथक्करण यानी जुडिशियल सेपरेशन से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत न्यायिक पृथक्करण प्रावधान रखा गया है। इसके अंतर्गत दोनों पक्ष पति और पत्नी रहते हुए भी एक दूसरे पृथक होने या रहने के लिए अदालत की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर ले सकते हैं। पहली है, प्रार्थना पत्र देने के 2 वर्ष पहले से प्रार्थी को दूसरे पक्ष ने छोड़ दिया हो। दूसरी है, प्रार्थी के साथ ऐसे अत्याचार हो रहे हों कि दूसरे के पक्ष के साथ रहने से उसे अपनी जान चले जाने का भय हो। तीसरा है, प्रार्थना पत्र देने के 3 वर्ष पहले से प्रार्थी के दूसरे पक्ष को असाध्य कुष्ठ रोग हो। चौथा है, प्रार्थना पत्र देने के समय से ठीक पहले एक दूसरे पक्ष को यौन रोग हो और वह उसे प्रार्थी से नहीं लगा हो। पांचवा है, प्रार्थना पत्र देने के दिनांक से 2 वर्ष पूर्व दूसरा पक्ष पागल घोषित कर दिया गया हो। छठा, यहाँ पर विवाह होने के पश्चात दूसरे पक्ष ने किसी अन्य व्यक्ति से यौन संबंध स्थापित कर लिया हो। सामान्यतः न्यायिक पृथक्करण तथा विवाह विच्छेद को एक समझ लिया जाता है, जो कि ठीक नहीं है। विवाह विच्छेद या तलाक के लिए न्यायिक पृथक्करण के पश्चात दूसरा प्रार्थना पत्र देना पड़ता है। न्यायिक पृथक्करण की अवधि में दोनों पक्ष पति पत्नी ही रहते हैं परंतु साथ साथ नहीं रहते। न्यायिक पृथक्करण की अवधि सामान्य रूप से 2 वर्ष की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दहेज प्रथा की समाप्ति हेतु सुझाव दीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, पहला है यहाँ पर अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहन, दूसरा है स्त्रियों की प्रगति में सहयोग, तीसरा है लड़की और लड़का दोनों को ही आत्मनिर्भर बनाना, चौथा है जीवन साथी के चुनाव की स्वतंत्रता प्रदान करना, पांचवा है समाज में दहेज विरोधी जनमत तैयार करने के लिए जनसंपर्क के माध्यमों द्वारा प्रयास करना, छठा है शिक्षा का विकास एवं स्वस्थ जनमत तैयार करना, सातवा है वैधानिक प्रयास। तो ये कुछ सुझाव हैं जिससे दहेज प्रथा की समाप्ति की जा सकती है। नेक्स्ट है अंतर पीढ़ी संघर्ष का अर्थ स्पष्ट कीजिए, या अंतर पीढ़ी संघर्ष से क्या आशा है, अंतर पीढ़ी संघर्ष से आप क्या समझते हैं? किसी भी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका उत्तर हो जाएगा, दो पीढ़ियों में किन्हीं दो बातों को लेकर पाया जाने वाला विरोध या मतक्य का अभाव ही अंतर पीढ़ी संघर्ष कहलाता है। माता पिता तथा बच्चों में पाया जाने वाला विचारों का टकराव अंतर पीढ़ी संघर्ष ही माना जाता है। यह संघर्ष अन्य प्रकार के संघर्षों के समान अत्यधिक उग्र तो नहीं होता, परंतु इससे पारिवारिक, सामुदायिक एवं सामाजिक विघटन को प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट है, वृद्धों की दो मुख्य समस्याएं लिखें या वृद्धों की किन्हीं दो समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो वृद्धों में दो प्रमुख समस्याएं, पहला बीमारी की समस्या। वृद्धावस्था में खराब स्वास्थ्य या बीमारी होना एक आम समस्या है। प्रायः सभी वृद्ध स्त्री पुरुष छोटी मोटी अथवा गंभीर बीमारी के शिकार हो जाते हैं। बुढ़ापे में इंद्रियां कमजोर होने के कारण आंखों की क्षमता घट जाना, जोड़ों में दर्द होना, स्वाद एवं सूखने की चेतना कम हो जाना आदि कुछ ऐसी सामान्य बीमारियां जो वृद्धावस्था को समस्याग्रस्त बना देती है। दूसरा है अकेलापन की समस्या, यानी वृद्धावस्था की एक सामान्य तथा प्रबल समस्या अकेलापन की समस्या है। वैसे तो आज के व्यस्त तथा स्वार्थपरक युग में अकेलापन सभी आयु वर्गों के व्यक्तियों की समस्या है, परंतु वृद्धावस्था में यह समस्या अधिक गंभीर हो जाती है। संयुक्त परिवार के विघटन तथा पारिवारिक मूल्यों में हुए परिवर्तनों ने इस समस्या को अधिक गंभीर बना दिया है। अकेलेपन का भाव उनके आत्मविश्वास तथा आत्मसम्मान को भी घटाता है तथा वे दिन भर विषाद में डूबे रहते हैं, उनका जीवन बोझ बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वायु प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? तो वायु में गैसों की अनावश्यक वृद्धि केवल ऑक्सीजन को छोड़कर या
उसके भौतिक व रासायनिक घटकों में परिवर्तन वायु प्रदूषण कहलाता है। मोटर गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, कारखानों से निकलने वाला धुआं तथा वनों व वृक्षों के कटाव से वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बिगड़ जाता है तथा मनुष्य व अन्य जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने लगता है। दहन, औद्योगिक अवशिष्ट, धातुकर्मी प्रक्रियाएँ, कृषि रसायन, वनों में वृक्षों को काटा जाना, परमाणु ऊर्जा, मृत पदार्थ तथा जनसंख्या विस्फोट इत्यादि वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, तो आपको लिख देने हैं जो भी यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत लिखिए या जल प्रदूषण के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं। इसका उत्तर हो जाएगा घरों, कारखानों इत्यादि से अपमार्जक पदार्थों, विषैली दवाएं, मिट्टी का तेल, डिटर्जेंट इत्यादि अनेक प्रकार के पदार्थों को बड़े बड़े शहरों से, नालियों से एकत्रित करके नदियों, झीलों या समुद्र में डाल दिया जाता है जो जल को प्रदूषित करते हैं। इन्हीं को जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत माना जाता है। इन अपमार्जक पदार्थों के विघटन से फिनोल, क्रोमेट, क्लोरीन, अमोनिया, साइनाइड्स आदि उत्पन्न होते हैं जो जल के पारिस्थितिक तंत्र में तरह तरह से हानिकारक सिद्ध होते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर विस्थापन क्या है या विस्थापन से आप क्या समझते हैं। तो विस्थापन का अर्थ है किसी व्यक्ति अथवा समूह को उसकी इच्छा के बिना किसी अन्य कारण से अपने स्थायी अर्ध स्थायी आवास क्षेत्र से किसी अन्य क्षेत्र में ले जाने के लिए बाध्य करना। हमारे देश में विकास योजनाओं को कार्य रूप देने के लिए व्यापक स्तर पर विस्थापन की प्रक्रिया चलती रहती है। विस्थापन के लिए संबंधित व्यक्तियों तथा समूह को अनेक समस्याओं एवं हानियों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सामाजिक मूल्यों से क्या आशय है। तो मानव समाज की एक मौलिक विशेषता है सामाजिक मूल्यों का निर्धारण एवं पालन। सामाजिक मूल्य उन उद्देश्य, सिद्धांतों अथवा विचारों को कहते हैं जिनको समाज के अधिकांश सदस्य अपने अस्तित्व के लिए आवश्यक समझते हैं तथा जिनकी रक्षा के लिए बड़े से बड़ा बलिदान करने को तत्पर रहते हैं। मातृभूमि, राष्ट्रगान, धर्मनिरपेक्षता इत्यादि हमारे सामाजिक मूल्यों को ही व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक मूल्यों की कोई दो विशेषताएं बताइए। यहाँ पर पहली विशेषता है सामाजिक मूल्य मानसिक अवधारणा है। अतः जिस प्रकार समाज अमूर्त है उसी प्रकार मूल्य भी अमूर्त है। सामाजिक मूल्यों को भी हम सामाजिक मूल्यों की हम केवल अनुभूति कर सकते हैं। दूसरी है, किसी भी समाज के मूल्य वहाँ की संस्कृति द्वारा निर्धारित होते हैं। अतः मूल्य संस्कृति की उपज हैं तथा ये संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। सामाजिक मूल्यों से समाज की प्रगति का मूल्यांकन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कालाधन किसे कहते हैं। तो भारत में अवैध तरीकों से अर्जित किया गया धन कालाधन यानी ब्लैक मनी कहलाता है। कालाधन वह भी है जिस पर कर नहीं दिया गया हो। भारतीय नागरिकों द्वारा विदेशी बैंकों में चोरी से जमा किया गया धन भी कालाधन की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट, यहाँ पर भारत में अपराध के लिए उत्तरदायी चार कारण लिखिए। तो इसके चार कारण है, पहला है निर्धनता। भारत में निर्धनता एक अभिशाप है। निर्धनता के कारण व्यक्ति जघन्य अपराध कर बैठता है। अपराध शास्त्र बोंगर के मत में निर्धनता के कारण मानसिक संघर्ष, तनाव, अंतर द्वंद्व और शराबखोरी बढ़ती है। दूसरा कारण है सामाजिक विघटन। सामाजिक विघटन को भी अपराध का एक कारण माना गया है। समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार उसे अपराध करने के लिए प्रेरित करता है और वह कर्तव्य अकर्तव्य के मध्य अंतर नहीं कर पाता। तीसरा है परिश्रम न करने की इच्छा यानी नकारात्मक सोच के व्यक्ति सफलता प्राप्त करने के लिए अधिक परिश्रम नहीं करना चाहते, अतः वे अपराध कर बैठते हैं। चौथा है अत्यधिक धन की चाह। भौतिकवादी संस्कृति से अत्यधिक प्रभावित होकर युवा बहुत कम समय में अधिक धन की इच्छा रखने लगते हैं, परिणाम स्वरूप वे अपराध कर बैठते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर किशोर न्यायालय क्या है या किशोर न्यायालय को समझाइए। तो इसका उत्तर है, बाल अपराधियों को एक सामान्य वयस्क अपराधी न्यायालय की जटिल प्रक्रिया से दूर रखने के प्रयास के परिणाम स्वरूप किशोर न्यायालय अलग से बनाए जाते हैं। बाल अपराधी के संबंध में न्यायालय के सम्मुख यह प्रश्न नहीं है कि अपराध हुआ या नहीं और अभियुक्त अपराधी है या नहीं, ऐसा वयस्क अपराधियों के केस में किया जाता है, बल्कि प्रमुख प्रश्न यह है कि बालक ने अपराध क्यों किया, दोष कहाँ है और दोष से मुक्ति के उपाय क्या है। इसलिए बाल अपराधियों के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना की गई है। विश्व में सबसे पहला किशोर न्यायालय 1899 ईस्वी शिकागो में स्थापित हुआ था। भारत में 1920 ईस्वी का बाल अधिनियम बाल अपराधियों के लिए पृथक किशोर न्यायालयों में तथा बाल कल्याण परिषदों की स्थापना की व्यवस्था करता है। अब हमारे देश में किशोर न्यायालयों की स्थापना हो गई है। इन न्यायालयों का वातावरण साधारण न्यायालयों से भिन्न होता है। न्यायाधीश प्राय महिला होती है। बम्बई मुंबई में स्थापित सर्वप्रथम ऐसे न्यायालय की न्यायाधीश कुमारी बड़न थी। पुलिस सादे कपड़ों में आती है और इन न्यायालयों में अपराध के कारकों को जानने का प्रयास किया जाता है। यहाँ ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जाता जो बच्चे को भयभीत करे। यदि बच्चा अपराधी पाया जाता है तो उसे सुधार गृह में भेज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पेरोल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या पेरोल से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, पेरोल अथवा कारावकाश तथा परिवीक्षा अपराध सुधार की दो पद्धतियाँ हैं जिनका उद्देश्य
अपराधियों को समाज में पुनः सामान्य जीवन व्यतीत करने हैं तो सहायता करना है। पेरोल का तात्पर्य सजा की अवधि में आंशिक कमी से है, जबकि परिवीक्षा सजा का स्थगन है। पेरोल ऐसी अपराधियों को सुधारने के लिए हैं जो अपनी गलती पर प्रायश्चित करना चाहते हैं, सुधार करना चाहते हैं और उनके कारावास की अवधि में किए जाने वाले व्यवहार से यह पता लगता है कि वे भविष्य में गलती नहीं करेंगे। भविष्य में अपराध न करने की आशा से अपराधी को शेष सजा से पेरोल की शर्तों पर मुक्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्वेतवसन अपराध किसे कहते हैं? श्वेतवसन अपराध के उदाहरण का विवेचन कीजिए या श्वेतवसन अपराध के दो कारण लिखिए। इसका उत्तर है, श्वेतवसन अपराध की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय एडविन एच सदरलैंड को दिया जाता है। श्वेतवसन का अभिप्राय मात्र सफ़ेद कपड़े पहनने वालों से न होकर ऐसे व्यक्तियों से हैं जो समाज में उच्च पद पर होने के कारण कानून की पकड़ में सरलता से नहीं आते। उदाहरण के लिए, एक सामान्य व्यक्ति जैसे किसी दुकान का मुनीम अपने सेठ के रुपये चोरी करे और पकड़ा जाए तो उसे सजा मिलती है, पर एक पूंजीपति जो लाखों रुपये के कर बचा लेता है तो भी वह साफ बच जाता है। प्रत्येक समाज में व्यवसाय के आधार पर तथा धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक परिस्थिति के आधार पर कुछ पद लोगों को मिलता है और ऐसे लोगों द्वारा किया जाने वाला अपराध श्वेतवसन अपराध कहलाता है। सदरलैंड के अनुसार श्वेतवसन अपराध सम्मानित और उच्च सामाजिक परिस्थिति के व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय के दौरान किया जाने वाला अपराध है। इसके दो कारण हैं, पहला है संपत्ति का अत्यधिक लोभ, दूसरा है यथाकथित उच्च प्रतिष्ठा की आकांक्षा। नेक्स्ट है, आत्महत्या के प्रमुख प्रकारों की विवेचना कीजिए या आत्महत्या के तीन प्रकार लिखिए, अथवा अहमवादी आत्महत्या से आप क्या समझते हैं, पदार्थवादी आत्महत्या से आप क्या समझते हैं। देखिए, आत्महत्या तीन प्रकार की होती है, अहमवादी आत्महत्या, पदार्थवादी आत्महत्या, असामान्य या अस्वाभाविक आत्महत्या। पहला यहाँ पर अहमवादी आत्महत्या, जिसे स्वार्थ में आत्महत्या भी कहा जाता है, ये तब होती है जब व्यक्ति समाज में अपने आप को अकेला समझने लगता है। वह यह समझने लगता है कि अन्य व्यक्ति उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। वह अपने ही अंदर सीमित और संकुचित हो जाता है और अपने को हीन व उपेक्षित समझने लगता है। अहमवादी आत्महत्या इसी परिस्थिति की चरम सीमा है। अविवाहित या परित्यक्त लोग इसलिए अधिक आत्महत्या करते हैं कि उनका पारिवारिक जीवन से संपर्क कम हो जाता है। प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायियों में सामाजिक संपर्क की मात्रा का अभाव ऐसी स्थिति विकसित कर देता है। दुर्खीम अहमवादी आत्महत्या की सामूहिक चेतना के आधार पर व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। दूसरा है पदार्थवादी आत्महत्या, यह अहमवादी आत्महत्या का विपरीत है, यानी यह उसका उल्टा है। इसमें व्यक्ति समूह के अत्यधिक एकीकरण के कारण अपना कोई अस्तित्व नहीं समझता है और वह पूर्णतः समूह द्वारा शासित और नियंत्रित होता है। वह सामूहिक मान्यताओं के लिए अपने जीवन का बलिदान करने के लिए भी तैयार हो जाता है। भारत की सती प्रथा तथा जापान की हाराकिरी प्रथा इसी आत्महत्या के उदाहरण है। तीसरा है असामान्य या अस्वाभाविक आत्महत्या, यह तब होती है जब सामाजिक संरचना, सामाजिक संतुलन या समाज के नैतिक संगठन में एकाएक परिवर्तन आ जाते हैं। जो व्यक्ति इन परिवर्तनों से अपना सामंजस्य स्थापित नहीं रख पाते वे आत्महत्या के लिए प्रेरित होते हैं। इसी स्थिति में सामाजिक अशांति, तनाव अधिक होता है। अगर व्यक्ति निराशा, व्यापारिक गिरावट, आर्थिक संकट आदि के कारण स्थिति से सामंजस्य नहीं रख पाता तो वह आत्महत्या के लिए प्रेरित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आतंकवाद से आप क्या समझते हैं? तो आतंकवाद आधुनिक विश्व की एक गंभीर समस्या है। आतंकवाद का साधारण अर्थ है हिंसा बल के माध्यम से किसी समूह या क्षेत्र को भयभीत करने की प्रवृत्ति। आतंकवाद के अंतर्गत किसी बड़े संगठन या किसी देश द्वारा प्रेरित कुछ संगठित व्यक्तियों द्वारा किए गए उन कार्यों को सम्मानित किया जाता है जो स्वयं में जघन्यतम एवं क्रूरतम हो। इन कार्यों को करने का मूल उद्देश्य देश की आंतरिक स्थिति को अव्यवस्थित कर शासन की क्रियाशीलता तथा तत्संबंधी संरचना के अस्तित्व का अवमूल्यन करना ही होता है। संक्षेप में कह सकते हैं कि आतंकवाद कुछ व्यक्तियों के एक समूह द्वारा नागरिकों के जीवन एवं संपत्ति के विरुद्ध किया गया आपराधिक कार्य है। नेक्स्ट यहाँ पर, साइबर अपराध क्या है? साइबर अपराध का अर्थ लिखें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर याद करके जाना है। इसका उत्तर हो जाएगा, साइबर अपराध मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों द्वारा सूचनाओं के आदान प्रदान, विशेष रूप से ईमेल एवं ई व्यापार के दुरुपयोग से संबंधित है। यह अपराध केवल भारत में ही नहीं अपितु विश्व के सभी देशों में चिंता का विषय है तथा सभी देश इस पर नियंत्रण हेतु जूझ रहे हैं। वस्तुतः डिजिटल तकनीक ने संचार व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं तथा इसका व्यापारिक गतिविधियों में अत्यधिक प्रयोग किया जाने लगा है। आज व्यापारी एवं उपभोक्ता परंपरागत फाइलों के स्थान पर कंप्यूटरों में सभी प्रकार की सूचनाएँ सुरक्षित रख रहे हैं। कागज एवं फाइल सरलता से खराब हो जाते हैं जबकि कंप्यूटर में रखी गई सूचना वर्षों तक पूर्णतया सुरक्षित रहती है। साइबर अपराध का संबंध इस सूचना का किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा दुरुपयोग से है।
नेक्स्ट है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित किया गया था, तो यह 1955 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, दहेज वह संपत्ति है जो एक स्त्री विवाह के समय अपने साथ लाती है अथवा उसे दी जाती है, यह परिभाषा किस में दी गई है, तो यह परिभाषा एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर, दहेज के दो दुष्परिणाम बताइए, तो इसके दो दुष्परिणाम हैं। पहला है, पर्याप्त दहेज न जुटा पाने की स्थिति में अनेक कन्याएं या तो अविवाहित रह जाती है अथवा बड़ी आयु में उन्हें बेमेल विवाह करना पड़ता है। दूसरा है, पर्याप्त दहेज न लाने वाली कन्याओं को अनेक यातनाएं सहनी पड़ती है जो अनेक बार हत्या या आत्महत्या तक पहुंच जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में घरेलू हिंसा के दो उदाहरण बताइए, तो घरेलू हिंसा के दो उदाहरण हैं जैसे पति द्वारा मारपीट एवं यातना तथा दहेज के कारण होने वाली हत्याएं। नेक्स्ट है, घरेलू हिंसा को कैसे कम किया जा सकता है, तो घरेलू हिंसा को कम करने हेतु संगठित प्रयास की आवश्यकता है जिसमें स्त्रियों को स्वयं आगे आना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भारत में वृद्ध लोगों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा किस वर्ष की गई, तो यह 1999 में की गई थी। नेक्स्ट है, विस्थापन किससे संबंधित समस्या है, विस्थापन विकास विशेष रूप से औद्योगिक विकास से संबंधित समस्या मानी जाती है, यह वह सामाजिक कीमत है जिसे प्रत्येक समाज विकास के प्रतिफल के रूप में चुकाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर श्वेत वसन अपराध किसकी अवधारणा है, तो यह सदरलैंड की अवधारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आतंकवाद के किन्हीं तीन आधारभूत कारणों का उल्लेख कीजिए, इसका उत्तर हो जाएगा शासन तंत्र का अनुत्तरदायीपूर्ण आचरण, बेरोजगार, नवयुवकों में असंतोष तथा कानूनी तथा न्यायिक प्रणाली के दोष आतंकवाद के तीन आधारभूत कारण। तो ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि आपके पूरे सिलेबस से लिए गए हैं। इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो आप सभी क्वेश्चन का भली भांति रिवीजन जरूर करके जाएं। आशा करता हूं आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।